हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अगर हमने भी कांग्रेस की तरह सरकार चलाई होती और कांग्रेस के समय जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी अगर वैसी ही बढ़ती तो आज घूमना फिरना तो दूर घर चलाना मुश्किल हो जाता, इतनी तेजी से बढ़ रही थी, डबल डिजिट को पार कर गई थी। हम 10 से भी ऊपर गई हुई महंगाई के दर को नीचे ला ला करके 4% तक ला करके खड़ा कर दिया है। इस बार के बजट में तो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है और ये वादे नहीं, हमने कर दिया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। मध्यम वर्ग के करोड़ों परिवार को इसका सीधा सीधा लाभ हुआ है। इससे 7-8 लाख रुपए तक की कमाई वाले साथियों को सीधा लाभ मिल रहा है और इसमें विशेष तौर पर युवा साथी हैं जिन्होंने कैरियर शुरू किया है। गोवा के अधिकतर क्लाइंट्स भी यही युवा वर्ग ही है। भाइयों और बहनों, बीजेपी टैक्स पेयर के कंट्रीब्यूशन को बड़े आदर के साथ देखती है और इसलिए टैक्स कम से कम हो इसका प्रयास हमने किया है। 5 साल के शासन में हमने एक भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देश के मिडिल क्लास पर, टैक्स पेयर पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डालने का तय किया है। अभी उनका ढकोसला पत्र आप देखोगे, उनका मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अब मध्यम वर्ग को उसके कंधे पर बोझ डाल करके अपनी वोट बैंक की तरफ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस अब ये खुलकर कहने लगी है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, सेल्फिश मानती है, ये उनके बयान है। साथियों, क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग सेल्फिश है? क्या देश का मध्यम वर्ग स्वार्थी है? अरे आज तो मैं कह सकता हूं सरकार में बैठने के बाद कि देश को आगे बढ़ाने में ईमानदारी से कोई मदद कर रहा है वो मध्यम वर्ग कर रहा है। उसका तो गौरवगान होना चाहिए। क्या कांग्रेस ने देश के मध्यम वर्ग का अपमान नहीं किया है? इनकी नीयत में कितना बड़ा खोट है ये इसी से पता चलता है। मैं देश के युवा वोटर्स, देश के प्रोफेशनल्स को कहूंगा कि कांग्रेस की सोच को समझने की कोशिश करें। कांग्रेस देश में नए बन रहे नियो मिडिल क्लास की पूरी शक्ति खत्म कर देना चाहती है। पिछले 5 साल के अनेक विविध प्रयासों के परिणाम देश में से गरीबी तेज गति से कम हो रही है और गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति
नियो मिडिल क्लास के रूप में उभर रहा है, अब कांग्रेस वाले उसी को खत्म करने लगे हैं। नियो मिडिल क्लास जो ईमानदारी से कमा रहा है उस पर कांग्रेस की नजर है।